मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र शिवम शुक्ला। बहुत बार आपने मेरे लेक्चर सुने होंगे, हो सकता है कि आप मुझे पहली बार देख रहे हो। तो आज जो हमने टॉपिक लिया है हम बात करने का, वो है कि डिफरेंट एकेडमिक्स में ओपी गुप्ता जो हमारे पास बुक है केमिकल इंजीनियरिंग की, उसकी उपयोगिता किस तरीके से है, हम उसको किस तरीके से उस पर अप्लाई करते हैं और कौन कौन से ऐसे अकेडमिक किस तरह हैं जहाँ पर हम इस बुक का बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं पहले तो अपने देशभर के सारे स्टूडेंट को जो है नमस्कार कहता हूँ और उनको कहता हूँ कि अब हम आज इसके बारे में बात करेंगे। आज हमारा टॉपिक जो है, हम आपके लिए एकेडमिक लेवल से लगभग 18 सब्जेक्ट हैं उनको पढ़ाते हैं और साथ में क्या है कि ओपी गुप्ता बुक है उसको हम सॉल्व करवाते हैं। ओपी गुप्ता बुक जब सॉल्व हो जाएगी तो हम उसके बाद रामप्रसाद बुक है उसको लेंगे, उसके बाद हम एक रामप्रसाद की दूसरी बुक है जो कि थ्योरेटिकली बुक है हम उसको भी पढ़ाएंगे, और उसके बाद एक बुक है गेट की एम सब उसको पढ़ाएंगे। तो केमिकल इंजीनियरिंग में काफ़ी ऐसा है जो हमें पढ़ाना है और अभी उसकी जो है यात्रा है जो अभी शेष है। तो इस तरीके से हमारा यही कहना है कि हम जो है काफ़ी चीज़ों को कवर करेंगे। तो आप सभी से हम आज रूबरू हैं और बता रहे हैं अपने बारे में कि हम जो लेक्चर बनाते हैं तो उन सभी लेक्चर्स में क्या होता है कि मैं चाहता हूँ कि सारे स्टूडेंट देखें, उनके नोट्स बनाएं प्रॉपर और उन पर कमेंट करें, ज़रूर कमेंट करें और उसको लाइक करें चैनल को, वीडियो को अगर पसंद है आपको। लगता है मैं बहुत मेहनत करता हूँ आपके लिए, एक वीडियो 10 मिनट का बनाना है हमारे, 20 मिनट का बनाना है तो उसके लिए 2-3 घंटे हमें मेहनत करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं इसको मेहनत देखते हुए आपको क्या है कि इसको लाइक करना है, कमेंट करना है, ध्यान रखें इसका, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने वाले के लिए और उसे लगता है कि हमारा वीडियो जो है लोगों को पसंद आ रहा है। उसमें क्या अच्छा लग रहा है आपको, आपने क्या नया सीखा है, आप इसको कमेंट करिए, बताइए। और हमारे चैनल पे जाने का सिंपल तरीका है, आप पहले तो चैनल को ले लीजिए और उसका नाम डालिए केमिकल गुरु, है ना। उसके बाद आप जाइए चैनल में, एंट्री करने बाद जाइए प्ले लिस्ट में और प्ले लिस्ट में आपको सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे, उनमें आपको कहीं भी जाना नहीं पड़ेगा। जितने लेक्चर मैंने आज तक पढ़ाए हैं वो सारे लेक्चर वहाँ पर अवेलेबल होंगे, ऑर्डर वाइज होंगे। ठीक है, तो यह तरीका है चैनल से पढ़ने का और नोट्स बनाते जाइए। तो शुरू करते हैं आज का हम टॉपिक। आज का टॉपिक है कि ओपी गुप्ता किस तरीके से हमारे लिए हेल्पफुल है डिफरेंट एकेडमिक्स में। सबसे पहले हम बात करें तो डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग से कोई डिप्लोमा कर रहा है, पेट्रो केमिकल इंजीनियरिंग से कर रहा है, पेंट से कर रहा है ना, और इसके अलावा रबर एंड प्लास्टिक से कर रहा है, तो उन सभी डिप्लोमा वाले स्टूडेंट के लिए ये ओपी गुप्ता बुक अनिवार्य है और बहुत ही बेनिफिशियल है। बीटेक और केमिकल बी है ना, बीटेक बैचलर ऑफ टेक्निकल टेक्नोलॉजी एंड बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, दोनों के लिए ये बेनिफिशियल है। तो कोई भी डिग्री प्रोग्राम कर रहा है केमिकल इंजीनियरिंग में टेक्नोलॉजी में, उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है और आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये बुक जो है हमें वो सब्जेक्ट की ओवरऑल नॉलेज देती है ना। आप किसी भी टॉपिक को पढ़ लीजिए, जब तक आप उसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे तो ऐसा नहीं, उससे लगता है आपको नॉलेज नहीं है उसकी। क्वेश्चन जो है वो दृष्टि से बनाया जाता है कि आप उसके बारे में पूरी नॉलेज रखते हैं। एक हमारे पास एक डिस्टेंस से बीटेक करने का तरीका है जिसका नाम है AMIE, केमिकल इंजीनियरिंग से अगर आप कर रहे हैं उसको, तो एसोसिएट मेंबरशिप एग्जामिनेशन ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इन केमिकल इंजीनियरिंग। ठीक, तो इसके बारे में बात कर रहा हूँ AMIE के। बहुत सारे जो हमारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो इन्होंने अप्रेंटिस कर लिया ISL से, फिर वहाँ पर वो परमानेंट लग जाते हैं और उसके बाद वो AMIE करके वो प्रमोशन पा लेते हैं। तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है, आप इसको कर सकते हो और बहुत आसान तरीका है। इसके लिए भी ऐसे स्टूडेंट को चाहिए कि वो ओपी गुप्ता बुक पढ़े, हमारे चैनल को फॉलो करें। देखो, जितना मैं जिस लायक हूँ, जितनी मेहनत मैं कर पाता हूँ, 5-6 सब्जेक्ट किताबों मतलब किताबें पढ़ के और उसके बाद मैं नोट्स IIT के पढ़ के मैं आपको पढ़ाता हूँ, जितना मेरा प्रयास है मैं कर पाता हूँ, है ना। इस उम्र तक जो मैंने एजुकेशन ऑब्टेन कर पाई मैं वो आपको देता हूँ। समय बढ़ेगा, है ना, आप लोग मुझे पसंद करोगे तो साथ में क्या होगा, हमारी योग्यता भी बढ़ेगी। आगे देखते हैं, AMIICHE एसोसिएट मेंबरशिप एग्जामिनेशन ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंजीनियर्स, जो उससे बड़ा लेवल है और इसके लिए भी ये बेनिफिशियल है। गेट के लिए जो वो काफ़ी अच्छी है, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन इन MTech। ठीक है, अगर MTech एडमिशन लेना है, ME में लेना है, MSc में लेना है, तो इन सब के लिए गेट क्वालिफाई होना जरूरी है, तो उसके लिए भी ये बुक काफ़ी अच्छी है। इसके बाद GRE के लिए जो बुक काफ़ी अच्छी है, ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन फॉर पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन अवार्ड इन US
यूनिवर्सिटीज फॉर एमएस डिग्री है ना, जीआरई जो है एक एग्ज़ाम होता है, और इसको भी पास करने के लिए आप किसी बुक को पढ़ना चाहिए। इस बुक में उससे काफ़ी हेल्प मिलती है। AIC एसोसिएटशिप एग्जामिनेशन ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ केमिस्ट, इसके लिए भी। BTEC अगर पॉलीमर टेक्नोलॉजी में कर रहे हैं तो आप इसके लिए भी, प्लास्टिक टेक्नोलॉजी में। BTEC अगर आप एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो उसके लिए भी। BTEC अगर पेट्रोलियम में कर रहे हैं, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, उसके लिए मैंने पहले बताया, डिप्लोमा के लिए भी। BTEC अगर आप केमिकल टेक्नोलॉजी से कर रहे हैं, डिग्री इन फूड टेक्नोलॉजी है, शुगर टेक्नोलॉजी है, ऑयल एंड पेंट टेक्नोलॉजी है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी, इन सभी के लिए काफ़ी अच्छी। तो BTEC जो है अगर आप कर रहे हो डिग्री इन सिरेमिक इंजीनियरिंग, काफ़ी अच्छी ब्रांच है, नई ब्रांच है, डिप्लोमा और BTEC के पॉइंट ऑफ व्यू से लड़के कम ले रहे हैं इसको, मगर इसकी भी काफ़ी बड़ी उपयोगिता है, ठीक है। तो इन सारे कोर्सेज़ के लिए ये बुक काफ़ी अच्छी है। मैं कोशिश करता हूँ इसको अच्छे से पढ़ाऊँ, और मैं लगभग हमारे 24 स्टेट के बच्चे हमें फीडबैक देते हैं कि उनको हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, और मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ कि जिन टीचर ने मुझे पढ़ाया है उनकी गुणवत्ता को मैं ज्यों के त्यों मेंटेन रखूँ, और मैं काफ़ी आपको अच्छा प्रयास करके आपको अच्छा पढ़ाऊँ। तो इस वीडियो के बारे में अपनी जो है हमें फीडबैक ज़रूर दें और बताएँ कि आप इससे क्या सीखा। एक्चुअली क्या है कि केमिकल इंजीनियर्स की जॉब कहाँ का रखती है, क्या स्कोप है, इसके बारे में वीडियो हमारा अगला आएगा। तब तक के नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।